गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन स्टूडेंट्स. नाउ टेक आउट योर रिविजन नोटबुक, टेक आउट योर रिविजन नोटबुक. एंड इन लास्ट क्लास वी हैड कम्प्लीटेड चूज द करेक्ट ऑप्शन, देन वी हैड कम्प्लीटेड राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द प्रॉब्लम्स, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर बी. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट. ओके, नाउ your question number C is do as directed, and in last lecture I have given you a homework to do this. You know answer of that, so let us do this one. Okay, so 43 को 7654 से हम divide करेंगे तो क्या आएगा answer students? बताओ, किसी ने solve किया है तो बताइए हमें answer क्या आएगा. 178 आएगा आंसर इसका. क्या आएगा? 178. अब वो कैसे आएगा? 43 वन्स आर 43, 6 में से 3 गया तो 3 बचा. ओके, एंड 5 हम नीचे उतार देंगे, 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3. ओके, आप पूछ रहे होगे कि 43 टूज आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 43 टूज आर 86 हो रहा है और 86 बड़ा है, इस वजह से नहीं लिया. अब 335 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 301 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 43 सेवन जार 301 होता है. ओके, और 43 एट जार 344 हो रहा है, मीन्स ये इससे बड़ा है, इस वजह से हमने वो नहीं लिया. ठीक है, नाउ 4 को नीचे उतारते हैं. नाउ 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4, एंड 344. ओके, एंड 344 कितने टाइम्स आ रहा है? 8 टाइम्स आ रहा है, इस वजह से 8 लिखा. सो 344 एंड 0 इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर. नाउ लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर एफ. वी हैड कम्प्लीटेड टिल हियर ना 6 मार्क्स, दैट इज यू हैव टू राइट पीरियड्स एंड देन कॉमास एंड ऑल. ओके, नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर एफ. सॉल्व द प्रॉब्लम्स ईच कैरी टू टू मार्क्स. ओके, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ईच कैरी टू टू मार्क्स. ओके, नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक make the smallest. Your first question is make the smallest and the greatest number. You have to make the smallest and greatest number with the help of this number. Okay, तो smallest इसमें first है greatest number. तो greatest number में student क्या होता है बताओ? Greatest number में सबसे बड़ा number कौन सा है इनमें से? Descending order में arrange करेंगे. So 8 है, then 7, इधर कॉमा नहीं लगाना, सॉरी, हाँ, इट्स माय मिस्टेक. 8 7, देन 5, देन 3 2 1 0, एंड अब कॉमा लगाओ. सो आपका आंसर क्या है? 87,53,210. अब स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा है 0, बट 0 नहीं लेंगे क्योंकि आगे 0 ले लेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो उससे और 0 को छोड़ के बाकी में कौन सा छोटा है? 1. सो 1 लेंगे, देन सेकेंड प्लेस में 0 लेंगे. ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8. सो आपका आंसर क्या है? 10,23,578. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ सी B1. इन दोनों में से मींस नंबर में चेंज कर सकते हो स्टूडेंट्स. ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में. ठीक है, नाउ अब इसमें से बड़ा कौन सा है? 9, देन 8, देन 7, then 6, then 5, then 4, then 3, 2, 1. ओके, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें. ठीक है, नाउ कॉमा. सो 98,76,54,321. ओके, नाउ योर स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जस्ट लाइक दैट. ओके, your final answer is this. Okay students,
Now you are in this question number F. Your second question is arrange in ascending and descending order. Your second question is arrange in ascending and descending order. Okay. Now students, ascending or descending order में arrange करना है तो पहला step क्या है? Digit count करना. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो students, ये 8 digit है और ये भी 8 digit है. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 9 digit है. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सबसे छोटा कौन सा digit है? 6 digit. So इसको हम पहले लिख देंगे. ठीक है? Now, उससे बड़ा कौन सा है? ये 8 digit के हैं. ठीक है? तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला है. इसका first digit देखो 3 है. और इसका first digit 5 है. तो obviously ये छोटा है. So 3, 0, 7, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Now, उसके बाद क्या आएगा students? ये वाला number. 5, 3, 8, 9, 7, 3, 9, 0. Okay? Then उसके बाद कौन सा number आएगा students? 9 digit वाला, जो सबसे बड़ा है. 1, 8, 7, 6, 0, 1, 2, 3, 4. ओके समझ आया असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है. एंड अब डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं. ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर यही सेम नंबर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बोलूँ तो स्टूडेंट्स ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला ऐसे लिख देना. ठीक है? 1, 8, 7, 6, 0, 1, 2, 3, 4. देन 5, 3, 8, 9, 7, 3, 9, 0. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? बड़े से छोटा. 3, 0, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Then 2, 3, 3, 4, 5, 6. Okay, this is your final answer. Students, मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से मैंने ऐसे लिखा. आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना. ठीक है? Okay. I hope you all understood. Now yours B. 3,381,23,139. इसमें भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है. पहले आपको डिजिट काउंट करना है. क्या करना है? डिजिट काउंट करना है. सो ये कितने डिजिट का हुआ स्टूडेंट्स? 8 डिजिट का है ये भी. देन ये भी 8 डिजिट का है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 डिजिट का है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 9 डिजिट का नंबर है. ठीक है? 7 डिजिट वाला सबसे आगे आएगा बिकॉज वो सबसे छोटा है ना? दिख रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? देन उसके बाद कौन सा आएगा? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जो बड़ा है वो नहीं आएगा, जो छोटा है वो आएगा, ये वाला. सो 2, 17, 50, 126. देन उसके बाद ये आएगा 3, 81, 23, 139. एंड लास्ट में ये वाला आएगा 1, 18, 16, 11, 304. अब डिसेंडिंग का स्टूडेंट्स मैं नीचे की साइड लिख रही हूँ. ठीक है? इसका आंसर मैं इधर लिख रही हूँ. ठीक है? इसको टर्न कर दो. 18, 16, 11, 304. देन 3, 8, 1, 2, 3, 1, 3, 9. मीन्स ये. ओके? सेम नंबर बोला जाए तब ऐसा करना. ठीक है? अगर सेम नंबर ना बोला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको काउंट करना पड़ेगा डिजिट को, देन उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है? सेम नंबर दिया जाएगा तो इट इज़ गुड फॉर यू. ये भी स्टूडेंट्स आपका ये 2 मार्क्स का होगा. ठीक है? नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू एंड पीरियड ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. इसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है और मतलब किसका प्लेस वैल्यू लिखना है? ये जो अंडरलाइन डिजिट है ना उसका प्लेस वैल्यू लिखना है, उसका पीरियड भी लिखना है और प्लेस भी लिखना है. ठीक है? कौन सी प्लेस पे है वो लिखना है. ठीक है? ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको ये वाला? तो इसकी प्लेस कौन सी है? प्लेस इन द सेंस ये कौन सी प्लेस पे आता है? टेंस की प्लेस पे है कि 100 की प्लेस पे है कि 1000 की प्लेस पे? ये तो ये कौन सी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे है. तो आपको इधर लिखना है टेंस. इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इट इज 8080. देन ये कौन से पीरियड में आता है? जैसे कि 100, 1000, 1,000,000, जस्ट लाइक दैट. तो ये कौन से पीरियड में आ रहा है? 100 के पीरियड्स में आता है. ठीक है? दिस इज योर आंसर. नाउ सी दिस वन. इसमें 7 पे स्टूडेंट्स क्लिक किया गया है, मीन्स 7 पे अंडरलाइन है. योर सेकेंड क्वेश्चन इज 2707142. ओके?
एंड ये सेवन पे क्या किया गया है, टिक किया गया है. सो इसकी प्लेस कौन सी है, सेवन की प्लेस कौन सी होगी, 1 2 3 4 फोर, यानी कि ये 10,000 प्लेस पे है. कौन सी प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे है. नहीं समझ आए तो ऐसा करना, वंस देन, वंस के बाद क्या आता है, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर 100 एंड 1,000. ओके तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये है ना मिलियन वाला पीरियड है. कौन सा पीरियड है, क्योंकि तीन तीन नंबर के पहले कॉमा लगा है. तो ये देख लेना कौन सा पीरियड है, इंटरनेशनल वाला है कि इंडियन वाला है, वो भी ज़रूर देखना, ठीक है, उस हिसाब से आप इधर पीरियड लिखना. तो ये कौन सा पीरियड है, थाउजेंड का पीरियड है, तो आपको इधर लिखना है थाउजेंड. ओके नाउ प्लेस वैल्यू क्या है सेवन की, 70,000. ओके अंडरस्टूड, गुड. नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म. ओके राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. जैसे फर्स्ट ए दिया है 1,03,59,807, तो इसको कैसे लिखेंगे, वन वन के आगे जितने नंबर है उतने जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, जीरो के पास कोई जीरो के पास कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, देन थ्री, थ्री के बाद जितने नंबर्स है उतने जीरोस लगा दो. ओके फाइव, फाइव के बाद कितने नंबर्स है, फोर, तो फोर जीरोस लगा दो. नाइन के बाद थ्री नंबर्स है तो थ्री जीरोस, एट के बाद दो नंबर्स है तो दो जीरो, देन जीरो की फिर कोई वैल्यू नहीं, और सेवन वंस की प्लेस है तो ऐसे भी वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है. ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म है स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना आपको अच्छे से ये. नाउ योर बी क्वेश्चन, बी में भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स. सेवन के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, फाइव के बाद 1 2 3 4 5 6 प्लस, टू के बाद 1 2 3 4 5 प्लस, सेवन के बाद 1 2 3 4 प्लस, जीरो प्लस, एट के बाद डबल जीरो प्लस, नाइन जीरो प्लस जीरो. ओके दिस इज योर फाइनल आंसर. एंड योर क्वेश्चन नंबर सी में भी ऐसे ही है. सिक्स के बाद कितने नंबर्स है, 2 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, 8, 1 2 3 4 5 6 प्लस, 8, 1 2 3 4 5 प्लस, कितने 8 है, हाँ 1 2 3 4 प्लस 6, 1 2 3 प्लस, 9, 1 0 0 देन 6 t देन 9. ओके दिस इज योर फाइनल आंसर. एंड योर रिविजन इज एंड हियर. ओके स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि मैं है ना वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, टॉपिक सेम रहेगा आपका, बट वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है. तो ये मत सोचना कि मैं वही सेम वैल्यू दूंगी स्टूडेंट्स, समझ आया आपको ये चीज. ओके नाउ स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज यू हैव टू डू योर रिविजन वन टाइम इन योर होमवर्क नोटबुक एंड कीप प्रैक्टिसिंग. ओके एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू स्कोर गुड मार्क्स इन माई सब्जेक्ट. ओके सो स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.